एस कॉलोनी जैन कॉलोनी में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, गर्मियों का टाइम है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करती है पब्लिक। और जब 24 घंटे 12 घंटे लाइट नहीं आती है तो लोगों की क्या हालत हो जाती है, ये पूछते हैं हम आज लोगों के ही जुबानी और देखते हैं कितनी परेशानी होती है, सुनते हैं उनकी जुबानी। भैया हमारा साथ दो, बहुत परेशान है लाइट से, बच्चे बीमार, कैसे करेंगे, परेशानी बहुत हो रही है। रात भर लाइट नहीं है, रात भर लाइट नहीं आई, दिन को भी कई बार गई है, इन्वर्टर भी फेल हैं, तड़पते रहते हैं, कंप्लेन कई बार फोन किए हैं, लेने व्यस्त हैं, ये है वो है, जवाब भी कोई नहीं देता। हाँ जी, रात को बिल्कुल लाइट नहीं थी, 9:30 बजे की गई, सुबह 9 बजे 10:30 बजे। बुजुर्ग बीमार है, सवेरे पंखों की हवा कर 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 करके इन्वर्टर भी फेल हैं। अरे सोचो कुछ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए लाइट तो दो कम से कम, और तो हम कुछ नहीं मांगते। तो किसी बड़ी अधिकारी से भी बात होती है? हाँ हाँ, बढ़िया से, बिल्कुल मेन अंकल की वो करते हैं, सर सर कर करके, कोई सुनाई नहीं है। कई बार फोन किए, नंबर आए, कई बार किए हैं अंकल ने, लैंड व्यस्त है, कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते, फिर क्या करें बताओ। हम ये कि लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गर्मी इतनी है, ये मुकेश कॉलोनी में ज़्यादातर रोज़ लाइट जाती है, कभी कोई फेस चला जाता है, कभी कोई फेस चला जाता है, और पूरी रात नहीं आता। कल 10 बजे की लाइट गई हुई, आज 9:30 बजे सुबह आई है, सुनवाई नहीं करता, फ़ोन करते हैं कोई उठाता ही नहीं फ़ोन, वो जरा भी नहीं सोए, एक मिनट भी कैसे होगा। लाइट कहाँ, इन्वर्टर है वो भी काम नहीं करता, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इन्वर्टर ही चलता है, बाकी लाइट बिना बड़े परेशान हैं, यहाँ सो में कभी वहाँ सो में, कभी उठे कभी बैठे, और गलियों की लाइटें बंद कर दें, इससे उजाला रहे थोड़ा बहुत, बहुत परेशान है लाइट से। तो जो कंप्लेंट फोन करें तो उठावे ही ना कोई, कंप्लेंट खूब करते हैं, करते क्यों नहीं है, और परेशान हो रही है। ना रात को लाइट नहीं थी, ये तो 9 बजे से चली गई थी रात को, 9:30 बजे लाइट गई है, उसके बाद में जितने भी इनके कंप्लेंट वाले हैं सबके पास फ़ोन किया है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है। जब फ़ोन उठाया तो बोले जी आ रहे हैं हर आध घंटे के बाद, अभी आ रहे हैं हर आध घंटे के बाद, अभी आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे भी फिर फ़ोन किया है, उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन उठाया लास्ट में तो बोले जी अब हम नहीं आ रहे, अब 8:30 बजे जो आएंगे वो आएंगे। जेई से बात हुई है, जेई बोला जी आधे घंटे में करवा रहा हूँ, 6:30 बजे की बात है, 8:30 बजे लाइट जाके सही करवाई है। पूरी रात जो है परेशान रहे हैं, रात को 10-10 बार कंप्लेंट करने गए हैं सेंटर में, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता बंदा, एक बंदा नहीं मिला, 10 बार सिर्फ एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस पर कंप्लेंट लिख के आ जाओ बेवकूफ़ों की तरह, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई मिलने वाला भी नहीं है, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाता। 10-10 घंटे जून की गर्मी में लाइट अगर चली जाए, जून की गर्मी में लाइट चली जाए 10-10 घंटे तक, तो आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा, घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार आदमी हैं, वो बिना लाइट के कैसे बर्दाश्त करेगा। इन्वर्टर 1-2 घंटे में बंद हो जाता है, लेकिन अगर लाइट ना आए तो 10 घंटे तक कैसे बर्दाश्त करेगा कोई आदमी, क्योंकि गर्मी से इतनी बुरी हालत है। 10-10 घंटे 11-11 घंटे और कोई सुनवाई नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई कंप्लेंट सेंटर पे एक बंदा नहीं है, 4-5 घंटे एक बंदा नहीं है, लोग बैठ बैठ के आ गए, 20 कंप्लेंट लिखी हुई है, 20 कंप्लेंट, लेकिन उस पर किसी पे भी कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं सो पाए, रात भर जगते रहे, और सुबह किसी को काम पे जाना है, किसी को ड्यूटी पे जाना है, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर पे जाना है, लेकिन बहुत बुरा हाल है। जो बीमार है वो उसका और ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, जो घर में बुजुर्ग आदमी है वो कैसे करेंगे, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, रात भर नहीं सो पाए बेचारे बच्चे। लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, 12-12 घंटे तक लाइट ही नहीं आती, गर्मियों में तो मतलब रोज़ का ही हो गया है कि कल भी नहीं आई थी, और हाँ पढ़ाई में बहुत हो रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते सही से। मतलब हमने एसडीओ साहब से पूछा कि भाई हम आपका इंटरव्यू चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया कि मुझे मीडिया से बात करने की परमिशन नहीं है, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ इस काम के लिए। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है कि सारी रात लाइट नहीं आती, और
सुनने वाला कोई नहीं है। अब एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मैं मीडिया से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपकी समस्या सुलझा दी जाएगी, आप कस्टमर केयर नंबर पे बात कीजिए। है अभी भी 90% लोगों को कस्टमर केयर का नंबर नहीं पता, वो लोकल पर्सन जो है आपका कंप्लेनर, कंप्लेंट रिसीव करने वाला, उसी को लाइनमैन को ही फ़ोन करते हैं। या तो वहाँ पे कंप्लेंट सेंटर में ये लिखवा दिया जाए कि भाई यहाँ कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, क्यों रजिस्टर रखा हुआ है वहाँ पर? अगर रजिस्टर रखा हुआ है तो उसको अटेंड करें। मैं TV19 से ओम आनंद, धन्यवाद।